भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव ने अपने आवासीय कार्यालय भारतीय कॉलोनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले में होने वाली पान की खेती पर बात करते हुए कहा है कि राजमहल प्रखंड अंतर्गत घाट जमनी मोकिमपुर पंचायत के आधा दर्जन गाँव में पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाली पान की खेती पर सड़क चौड़ीकरण के कारण संकट के बादल छा गए हैं। झारखंड राज्य के एकमात्र साहिबगंज जिले में होने वाली पान की खेती का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। जिले के राजमहल प्रखंड अंतर्गत घाट जमनी मोकिमपुर पंचायत के आधा दर्जन गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाली पान की खेती पर सड़क चौड़ीकरण के कारण संकट के बादल छा गए। ये बातें भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव ने अपने आवासीय कार्यालय भारतीय कॉलोनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। दरअसल साहिबगंज राजमहल के बीच NH-80 फोर लेन सड़क बनाई जा रही है, जिस कारण जमीन अधिग्रहण को लेकर जिले में होने वाली पान की खेती का इलाका भी संकट में आ गया है। पान की खेती से सैकड़ों परिवारों का भरण पोषण होता है। यहाँ होने वाली पान की खेती की देश भर में एक अलग पहचान है। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में यहाँ के पान की मांग है। पान की खेती यहाँ के किसानों को विरासत में मिली है। वहीं भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर पनवाड़ी परिवार वालों के भरण पोषण के लिए उचित मुआवजा देने की मांग की है। आप सभी मित्रों से एक खास करके झारखंड के साहिबगंज जिला के योगीचक, सरकंडा, चंडीपुर, जो राजमहल प्रखंड के गांव पड़ता है, करीब दर्जनों गांव ऐसा पड़ता है जहां की पूरे राज्य में मात्र वहीं पान की खेती होती है। पनवाड़ी लोग हैं, यानी मोदी परिवार हैं लोग, उन लोगों का एकमात्र जीविका का साधन है पान की खेती से। और आप जानते हैं कि कोरोना काल में गुटखा और पान मसाला वगैरह पर रोक लगा जाने के बाद ऐसे भी वो भुखमरी के कगार पर आए हुए हैं। और उन्हें अभी हाल के दिनों में जो नेशनल हाईवे फोर लेन बनने जा रहा और उस चौड़ीकरण में उन लोगों का समूचा पान की खेती या घर द्वार सब भी जा रहा, लेकिन पान की खेती का जो मुआवजा है वो प्रति खेत के तरह जमीन के तरह उन्हें मिल रहा है। नतीजा है कि उन लोगों का कहना है कि भाई हम लोग का उद्योग फैक्ट्री जो भी कहिए वही है, इसलिए उसमें हमारा मुआवजा 20 गुना मिलना चाहिए ताकि हम लोग कहीं दूसरे प्रतिष्ठान या दूसरे जगह खेती कर सकें या कोई दूसरा उद्योग चला सकें, हम लोग का सब टूट रहा। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री से, हेमंत सोरेन जी से और राज्य उच्च राज्य मार्ग जो नेशनल हाईवे है उसके मंत्री हैं माननीय नितिन गडकरी जी से मांग करते हैं कि उनको उचित देखते हुए, उनके उद्योग देखते हुए मोदी परिवार को उचित मुआवजा मिले, यही मेरा डिमांड है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री होने के नाते हम ये मांग करते हैं कि सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माननीय नितिन गडकरी जी इस पर विशेष ध्यान दें और उन लोगों को मुआवजा, उचित मुआवजा दें ताकि वो भुखमरी से बच सके और दूसरा रोजगार या दूसरे जगह पान की खेती कर सके। कोलियरी कर्मचारी संघ के कथारा शाखा अध्यक्ष राजू स्वामी जी की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को विश्वकर्मा पूजा, गांधी जयंती, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई।